बाप ने बेटे को भी मूर्तिकला ही सिखाई। दोनों हाट में जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेच कर आते। बाप की मूर्ति 1.5-2 रुपए में बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 8-10 आने से अधिक न मिलता। हाट से लौटने पर बेटे को पास बिठाकर बाप उसकी मूर्तियों में रही हुई त्रुटियों को समझाता और अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए समझाता। यह क्रम वर्षों चलता रहा। लड़का समझदार था, उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद लड़के की मूर्तियां भी 1.5 रुपए की बिकने लगी। बाप अब भी उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। बेटे ने और भी अधिक ध्यान दिया तो कला भी अधिक निखरी। मूर्तियां 5-5 रुपए की बिकने लगी। सुधार के लिए समझाने का क्रम बाप ने तब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझला कर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी है, मुझे 5 रुपए मिलते हैं जबकि आपको 2 ही रुपये। बाप ने कहा, पुत्र जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया और फिर सुधार की बात सोचना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्तियां न बना सका। मैं चाहता हूँ वह भूल तुम न करो। अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम सदा जारी रखो ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।